हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके वोकैबलरी को। तो जैसा कि आप सभी जानते थे कि जो आपकी एसपी बख्शी की बुक है, ठीक है, उसमें जो वोकैबलरी पार्ट दिया हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने होमोफोन से स्टार्ट किया था। तो आप सभी जानते कि होमोफोन हमारे क्या होते, कि जो भी शब्द होते हैं हमारे, जैसे कोई भी वर्ड्स होता है वो प्रोनाउंस करने पर सेम लग रहे होते, लेकिन उनके जो मीनिंग्स और मतलब होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग होमोफोन्स बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कम से कम आपके 8-9 वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दिए, तो ज़रूर आप जा कर के देख लेना। तो हम लोग उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो शालू वाजपेयी नेम से है उसको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएंगी। और अगर मेरे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी मेरी अपडेट्स होती है उसके लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके है, राइट। तो वहाँ पे आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए पहला शब्द क्या है, एग्जॉस्टिंग, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, मेकिंग समबडी वेरी टायर्ड, मतलब किसी को बहुत ही थका देने वाला, जो मतलब एक थकाव जो चीज़ होती है उसके लिए हम इस शब्द को यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे बहुत ही टायरिंग जो चीज़ होती है ना उसके लिए, जैसे आप देखिए बहुत ही टीचर्स जो होते हैं, जैसे आप देखिए जो टीचर जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए मतलब बहुत ही हेक्टिक जॉब होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो सब टीचर्स बता देते हैं कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो उनके लिए मतलब कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती बड़े बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो बहुत ही जो टीचर की मतलब एक तरह से प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना एक बहुत ही मतलब एग्जॉस्टिंग जॉब है, ठीक है, उसमें मतलब उनको थका देने वाली जॉब है। तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जॉस्टिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत ही जो संपूर्ण जो चीज़ है, मतलब कि उस मैनर में हम इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत ही डिटेल चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ही कंप्रहेंसिव चीज़ें दी हुई हैं, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे आप देखिए बहुत ही जैसे टीचर्स होते हैं कोचिंग में जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, हमें जो बच्चों को वो क्या करते हैं, बहुत ही मतलब कंप्रहेंसिव नोट्स देते हैं ना अपने, जैसे कोई भी मैथ्स के हो गए नोट्स, इंग्लिश के नोट्स हो गए, तो बहुत ही कंप्रहेंसिव नोट्स दिए ताकि वो पढ़ सक करके अपने एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें वो क्या इंक्लूड करेंगे, एवरीथिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पॉसिबल हैं उसको वो इंक्लूड करेंगे। तो ये दोनों शब्द आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। और जो हमारा तीसरा शब्द है वो क्या, एग्जॉस्टेड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, यानी कि बहुत ही वो चकना चूर हो गया, मतलब थक करके चकना चूर हो गया है। तो इसके लिए हम लोग एग्जॉस्टेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टेड ये तीनों ही बहुत ही सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स काफ़ी थोड़े डिफरेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला हमारा शब्द क्या है, इकोनॉमिकल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें देखिए आपके दैट कॉस्ट और यूज़ लेस टाइम, मनी हो गया, फ्यूल हो गया, तो इनके सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें क्या होता है, जो भी आपकी जो चीज़ें होती जिसमें आप कम धम कम जो आप जिसमें आप जो सामान से कम धन यूज़ करते हो ना, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती चल रहे हो, बहुत ही आप लिमिटेड चल रहे हो ना, तो उसके लिए इसको यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हाउसवाइफ, अगर वो हाउसवाइफ जो होती हैं हमारी घर की जो भी मतलब महिलाएँ होती वो क्या करती, बहुत ही जो अपने जो भी सोर्सेज होते हैं मतलब कि उसको बहुत ही लिमिटेड करके चलाती, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो भी पैसे होते उसको बचा करके चलती है ना, कि वो बाद में उसको यूज़ कर सकेंगी, मतलब बहुत ही लिमिटेड में चलती हैं वो लोग, तो उनके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, इकोनॉमिक है। इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री और प्रोड्यूसिंग अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखिए जो भी आपकी मुद्रा होती है या कोई व्यवसाय में आप मतलब एक तरह से क्या कर रहे हो, उसमें सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आपका मनी बिजनेस में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि आप उसमें एक तरह से प्रॉफिट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक वर्ड को यूज़ करेंगे।
और जो तीसरा है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखिए एस नहीं लगा है, और यहाँ पे एस लगा तो ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट भी है जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, द स्टडी और प्रिंसिपल ऑफ द वे मनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री आर ऑर्गेनाइज, राइट। तो यहाँ पे स्टडी होती है बिजनेस मनी की और इंडस्ट्री की जिस ऑर्गेनाइज होती है, तो इसके सेंस में हम इसको याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी देखिए इसका यहाँ पे मतलब क्या है, एक्साइट, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टिर अप फीलिंग्स, इसका मीन्स क्या हुआ, टू मेक समबडी फील हैप्पी एंड इंथुजियास्टिक और नर्वस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि कोई देखिए जो भी आपकी भावनाएं होती, किसी पर्सन की जो भावनाएं होती, उसकी जो प्रसन्नता होती है, उसको मतलब एक तरह से उभारना होता है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ मतलब आप कोई जो विशेष प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है उसको उत्पन्न करने के सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू मेक समबडी रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे देखिए अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले रही, तो क्या होगा, लोगों में क्या होगा, गुस्सा बढ़ता जाएगा। जैसे आप निर्भया का केस ले लीजिए, वहाँ पर क्या था कि जो फांसी थी उसको टाला जा रहा था, तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा मतलब कि बढ़ा हुआ था कि लोग मतलब इतना ज्यादा इसमें क्यों डिले किया जा रहा है, कि कल्प्रिट को क्यों नहीं सजा दी जा रही। तो उसके सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनसाइट, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग मेकिंग फर्दर वेरी एंग्री एक्साइटेड। जैसे आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, किसी को उकसाना या फिर कोई भड़काने वाली जो चीज़ होती है ना, उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखे कोई भी अगर लीडर हो गया, उसने बहुत ही भड़काने वाली भड़काऊ स्पीच दे दी लोगों के बीच में, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वॉयलेंस क्रिएट होगा ना, बहुत ही मतलब एक तरह से मॉब मतलब जो भीड़ वाला जो एक तरह से वॉयलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उसके सेंस में हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि क्या लिखा है, राउजिंग टू एक्शंस, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनसाइट, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सी द ट्रूथ, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समबडी समथिंग इज लाइक। मीन्स इसका क्या हो गया, कोई वह वस्तु हो गई या फिर कोई व्यक्ति होगा, उसकी मतलब एक विस्तृत या फिर कोई गहन जो आपकी जानकारी होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एनवेलप, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, टू कवर और सराउंड समबडी समथिंग कम्प्लीटली इन समथिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई देखे किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की जो मतलब कि एक तरह से देखा नहीं होगा कि आपने कोई भी अगर कागज आप लेटर लिखते हो तो उसको एक तरह से कवर करना होता है, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एनवेलप आप सभी जानते हैं कि जो रैप होता है, कवर और रैप, उसके लिए यूज होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवेलप, तो इसका मतलब क्या है, टू द कवर फॉर अ लेटर, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो भी लेटर्स होते हैं ना हमारे, उसका जो कवर होता है, तो उसके जो पेपर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमारा शब्द है वो क्या, एक्सपीडिटस है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको स्पीड और एफिशिएंसी के साथ कर रहे हो, तो उसके लिए हम शब्द को यूज़ करेंगे दोस्तों। जैसे आप मैथ्स के सवाल करते हो तो उसमें आपकी स्पीड भी है और एफिशिएंसी भी है, दोनों ही चीज़ें, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपीडियंट, ठीक है, ये हमारा एक्शंस के लिए वर्ड यूज़ होता है, कन्वीनियंट और हेल्पफुल फॉर अ पर्पज बट पॉसिबली नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और मॉरल। जैसे आप देखिए आप कोई काम कर रहे हो, वो आपके उद्देश्य से कर रहे हो, मतलब एक आपका उसमें क्या पर्पस है, ठीक है, जिसमें आप मदद कर रहे हो, लेकिन वो उसमें क्या आपके नैतिक और मॉरल चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे आपके क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, मतलब एक तरह से करप्शन करते हैं ना, वो वहाँ पे उनका मकसद क्या है, पैसे कमाना है, लेकिन उसमें आपकी नैतिकता और जो हॉनेस्ट मॉरल जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल साइड में करके इस तरह की चीज़ें करते, तो उसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखिए एक्सपीडिशन है, तो यहाँ पे देखिए हमारा इसका मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस, अ शॉर्ट जर्नी दैट मेक्स यू प्लेजर, राइट। इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो भी आप एक्सपीडिशन में आपने सुना होगा वर्ड, कि बहुत ही मतलब आप किसी उद्देश्य से जो आप लंबी यात्रा करते हो, ठीक है, एक अभियान होता है या फिर कोई खोज यात्रा हुई जिसमें आपको बहुत ही मतलब एक तरह से खुशी मिल रही है, जो आपका सैर सपाटे का जो छोटा सा कार्यक्रम होता है जिसमें आपको प्लेजर मिल रहा है, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, राइट। एक्सटीम का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, यानी कि ग्रेट रिस्पेक्ट, अ गुड ओपिनियन ऑफ समबडी। मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी की आप बहुत ही मतलब एक तरह सम्मान कर रहे हो, ठीक है, किसी के प्रति बहुत ही आदर सम्मान है, उसके बारे में आपका बहुत ही अच्छा ओपिनियन यानी कि गुड ओपिनियन है, तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों।
जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत ही मतलब वो सोशली होते हैं, ठीक है, तो उनके क्या होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं, तो उनके लिए मतलब लोगों के अंदर क्या होती है, बहुत ही इस्टीम यानी कि रिस्पेक्ट होती है कि हाँ ये फला आदमी बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छे काम करता है, गरीब लोगों की मदद करता है, लाइक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होती है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो रिस्पेक्ट होती है वो कभी मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। आप किसी से रिस्पेक्ट को मांग नहीं सकते हो, आपको मतलब कि रिस्पेक्ट लोग खुद से आकर के करें तो वो रिस्पेक्ट होती है, राइट। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम मेरी इज्जत करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्टिमेट, इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना कोई चीज़ है। जैसे आप देखिए एन एस्टिमेट ऑफ समथिंग, गेस और जजमेंट अबाउट समथिंग, जैसे कोई साइज हो गया, कॉस्ट हो गया, तो इसके सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके तथ्य होते हैं मतलब बिना किसी वस्तु या आकार के जो भी चीज़ें होती है उसका मतलब एक अनुमान लगाना, आकलन करना, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी फिगर या फैक्ट्स के लिए। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओपिनियन और जजमेंट, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो भी आप मत विचार दे रहे हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे एस्टिमेशन वर्ड को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हो रही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या, एक्सपोजर। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग पब्लिक। इसका देखिए पहले मैं आपको एक एक करके बताती हूँ इसके मतलब क्या होता है, कि कोई भी जो वस्तु होती है उसको प्रदर्शित करने की क्रिया होती है, ठीक है। एक्सपोजर यानी कि प्रदर्शित की गई जो आपकी वस्तु होती है या फिर एक तरह से प्रदर्शन होता है जो आप पब्लिकली करते हो, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो बींग अलाउड अ फोर्स टू एक्सपीरियंस समथिंग, मतलब कोई भी देखिए जो भी आपका मतलब किसी वस्तु या कोई मतलब कि व्यक्ति हो गया, कोई स्थिति हो गई के संपर्क में आने के लिए अनुमति होना या फिर दबाव होना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, हार्मफुल कंडीशन व्हेन अ पर्सन बिकम्स वेरी कोल्ड बिकॉज ही शी हैज़ बीन आउटसाइड इन अ वेरी बैड वेदर। तो मतलब यहाँ पे क्या कि खराब जो मौसम होता है ना उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कि जो खराब मौसम में बाहर रहने के कारण एक तरह से रोग हो जाना कुछ ऐसा, ठीक है, तो उसके लिए इसको यूज़ होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या, द अमाउंट ऑफ फिल्म दैट इज़ यूज वेन यू टेक वन फोटोग्राफ, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक फ़ोटो खींचने में इस्तेमाल हुई जो फिल्म होती है उसके लिए हम इस शब्द को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, एक्सपोजिशन, ठीक है, इसका मतलब क्या था, अ कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी। मतलब आप बहुत ही उसमें कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को, एक जो भी आइडिया और थ्योरी होता है उसके सेंस में उस शब्द को यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक तरह से एक्सप्लेनेशन ही होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, राइट। नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, इगोइटिस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ टू मच, थिंकिंग दैट यू आर बेटर एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी वन एल्स, राइट। मतलब आप अपने आप को इतने अपना अपना मतलब अपने बारे में सोच रहे हो कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ किसी और से, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ही सेम ही कि इगोसेंट्रिक और इगोइटिस्टिक पर्सन जो होता है मतलब कि वो बिलीव करता है सेल्फ इंटरेस्ट में और प्राउड में, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस सेंस में, तो आप इसको बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दोस्तों डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और इसकी पीडीएफ के लिए प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैं आगे भी बहुत वीडियोज़ को अपलोड करती रहूँगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता तो बताइएगा मुझे ज़रूर। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।